हेलो, मैं आपको बीएससी सेकंड ईयर में सेकंड पेपर बॉटनी में साइटोलॉजी वारा सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स है, जिसमें आप लोग बीएससी वन में जूलॉजी में काफी कुछ पढ़े हुए। जैसे पहला है सेल स्ट्रक्चर के बारे में, तो सेल स्ट्रक्चर में बीएससी सेकंड ईयर बॉटनी में तीन चार क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? क्लोरोप्लास्ट किसके बारे में है? क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो आप लोग जो है जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या है? प्लास्टिड है। क्या है? प्लास्टिड है। और प्लास्टिड जो होते हैं, जिसको हम हिंदी में लवक बोलते हैं, प्लास्टिड तीन प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पिगमेंट द प्लास्टिड इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट। फर्स्ट इज द ल्यूकोप्लास्ट। ये क्या होता है? कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस होता है। और ये जनरली कहाँ पाया जाता है? रूट में पाया जाता है। ये ऐसे स्थानों पर पाया जाता है जहां पर सनलाइट नहीं पहुंच पाती। और इसका फंक्शन होता है स्टोरेज। क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड एक्सेट्रा। सेकंड जो प्लास्टिड होता है वह होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या है बेटा? क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है ये कैसा होता है? ये दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है। पहला वर्ड है क्लोर। कौन सा वर्ड है? क्लोर। क्लोर मीन्स क्या होता है? ग्रीन। और प्लास्ट मीन्स क्या? लिविंग। इसका मतलब ये प्लांट के बॉडी में ग्रीन कलर का लिविंग मटेरियल है, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और ये जितने भी प्लांट के पार्ट ग्रीन होते हैं, इसी क्लोरोप्लास्ट के कारण होते हैं। तीसरा जो प्लास्टिड होता है वह होता है क्रोमोप्लास्ट। कौन सा? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमा मीन्स होता है कलर। क्रोमा मीन्स क्या होता है? कलर। और प्लास्ट मीन्स क्या होता है? लेविंग। इसका मतलब कि प्लांट के बॉडी में जो कलर्ड लिविंग मटेरियल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वह जनरली कहां पाया जाता है? फ्लावर के पेटल्स में। कहां पर? फ्लावर के पेटल्स में। आप लोग देखते हैं फ्लावर का कलर येलो भी होता है, ऑरेंज भी होता है, रेड भी होता है, ब्लू भी होता है। किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? ये क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। इसके अलावा जो राइपेंड फ्रूट होता है, मीन्स जो पके हुए फल होते हैं, आप लोग जानते हैं वो भी डिफरेंट कलर के होते हैं। टमाटर जैसे लाल कलर का हो, मैंगो येलो कलर का होता है, बनाना क्या होता है? येलो कलर का होता है पकने के बाद। ऐसे डिफरेंट जो फ्रूट होते हैं, राइपेंड फ्रूट, सबके कलर डिफरेंट होते हैं। सबके कलर डिफरेंट होते हैं और वो किसके कारण होते हैं? क्रोमोप्लास्ट के कारण। तो मैंने मोटी मोटी बात आपको बता दिया कि जो प्लास्टिड होता है
वह तीन ग्रुप में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पिगमेंट. फर्स्ट इज द ल्यूकोप्लास्ट विच इज कलरलेस एंड अकर्स इन दैट पार्ट ऑफ प्लांट वेयर द सनलाइट डू नॉट रीच इट एंड इट इज मोस्टली अकर्स इन द रूट सिस्टम. इन द रूट सिस्टम द मेन फंक्शन ऑफ द ल्यूकोप्लास्ट इज द ल्यूकोप्लास्ट इज द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल सच ए प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा. सेकेंड इज द क्लोरोप्लास्ट दैट आर द ग्रीन प्लास्टिड्स एंड प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट. मेन फंक्शन क्या होता है फोटोसिंथेसिस. थर्ड इज द क्रोमोप्लास्ट विच आर द कलर प्लास्टिड एंड अकर्स इन द राइपेंड फ्रूट एंड फ्लावर्स पेटल्स. अब यहां पर BSc 2 में आपसे जो क्वेश्चन पूछा था सेकंड पेपर में वो पूछा जाता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. तो नाउ वी विल स्टार्ट द टॉपिक क्लोरोप्लास्ट. प्लीज गिव द हेडिंग द क्लोरोप्लास्ट. आप हेडिंग देंगे क्या क्लोरोप्लास्ट. हेडिंग दिया आप लोग ब्रैकेट में नोट कर लेंगे. ये दो ग्रीक वर्डों से बना हुआ है. पारावर्ड क्या है क्लोर. क्लोर मीन्स क्या होता है ग्रीन. दूसरा प्लास्ट मीन्स क्या लिविंग. तो मैंने आपको बताया प्लांट के बॉडी में जो ग्रीन लिविंग मटेरियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट. अब बात यह आती है क्लोरोप्लास्ट है वर्ड किसने दिया था. सिंपर ने दिया था. किस सन में दिया था 1885 में दिया था. और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है क्लोरोप्लास्ट के डिस्कवरर कौन हो गए सिंपर हो गए. और ये कहां कहां पाया जाता है ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम प्रोटिस्ट. आपको मालूम होगा आप लोग जूलॉजी में पढ़ते बेटा प्रोटिस्टा और उसमें एक एनिमल है युगलीना. युगलीना में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है. तो मैंने आपको बताया ये क्लोरोप्लास्ट कहां कहां पाया जाता है ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड युगलीना. एविसेंट कहां कहां होता है ये सभी एनिमल्स में एब्सेंट होता है एक्सेप्ट युगलीना. और कुछ प्लांट में भी एब्सेंट होता है जैसे किस में एक तो फंजाई में. किसमें फंजाई में. इसके अलावा किसमें प्रोकैरियोट्स. किसमें प्रोकैरियोट्स में. और प्रोकैरियोट्स में किसमें बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा में. तो मैंने आपको बताइए कहां कहां प्रेजेंट होता है. ये प्रेजेंट होता है ऑल ग्रीन प्लांट्स में और यूलिना में. कहां कहां एब्सेंट होता है ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट द युगलीना. एंड प्लांट्स में किसमें एब्सेंट होता है एक तो फंजाई में दूसरे बैक्टीरिया में और तीसरे माइकोप्लाज्मा में. तो आप लोगों ने हेडिंग दे दिया क्लोरोप्लास्ट ब्रैकेट में नोट कर लिया. अब आप राइट डाउन कॉपी और पेन ले लीजिए लिखना शुरू कर दीजिए. इट वॉज डिस्कवर्ड बाई
इट वॉज डिस्कवर्ड बाय सिंपर, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय सिंपर। स्पेलिंग क्या है? SCHIMPER, सिंपर, ब्रैकेट में क्या, 1885, ब्रैकेट क्लोज। इट इज ग्रीन कलर्ड प्लास्टेड, इट इज ग्रीन कलर्ड प्लास्टेड एंड फाउंड इन all photosynthetic plants and some protists, ब्रैकेट में क्या, युगलीना, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, PROKARYOTES, प्रोकैरियोट्स कॉमा फंजाई एंड एनिमल्स फुल स्टॉप। दीज आर फाउंड इन मीसोफिल MESOPHY, मीसोफिल टिश्यू एंड क्लोरेनकाइमा सेल्स, CHLORENCHYMA, क्लोरेनकाइमा सेल्स, फुल स्टॉप। अब आप लोग हेडिंग दे देंगे मॉर्फोलॉजी, क्या हेडिंग दे देंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब आप जानते हैं मॉर्फोलॉजी में क्या क्या आता है बेटा, शेप आता है, साइज आता है, नंबर आता है, कलर आता है। तो फर्स्ट हेडिंग देंगे आप लोग शेप, क्या हेडिंग देंगे शेप। देखो बेटा जो लोअर प्लांट्स होते हैं जैसे एलगी, कौन एलगी, इसमें क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट शेप के होते हैं, लेकिन हायर प्लांट में, कहां पर, हायर प्लांट में जैसे ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब में जो क्लोरोप्लास्ट का शेप होता है वो ओवल ओवर डिस्क्वाइडल होता है। कैसा होता है, ओवल ओवर डिस्क्वाइडल होता है। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए से, राइट डाउन इन लोअर प्लांट ब्रैकेट में एलगी ब्रैकेट क्लोज कामा, द क्लोरोप्लास्ट मे बी डिफरेंट है शेप्ड, SHAPED शेप्ड, सच है
सेव्ड, सी सेव्ड किसमें पाया जाता है, ब्रैकेट में नोट कर लेंगे, यूरोथ्रिक्स में, किसमें, यूरोथ्रिक्स में। इसके बाद कामा स्पाइरल, स्पाइरल किसमें पाया जाता है, स्पायरोवायरल किसमें, नोट कर लेंगे, सी सेप्ड ब्रैकेट में यूरोथ्रिक्स कामा स्पाइरल स्पायरोवायरल कामा कप सेप्ड है, कप सेप्ड है ब्रैकेट में क्या, क्लेमाइडोमोनास, 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 क्लेमाइडोमोनास एंड स्टार शेप्ड, एंड स्टार शेप्ड यह किस एल्गी में होता है, ब्रैकेट में जिग्निमा, जिग्निमा, जिग्निमा ब्रैकेट क्लोज एक्सेट्रा फ्लोस्टा नेक पैरा से इन हायर प्लांट, इन हायर प्लांट कामा द क्लोरोप्लास्ट में भी, द क्लोरोप्लास्ट में भी ओवल, ओवल ओवरा डिस्क्वाइडल डी आई एस सी ओ आई डी एल डिस्क्वाइडल इन से, डिस्क्वाइडल इन से फलस्टाफ। अब आप हेडिंग क्या देंगे, सेकेंड साइज, साइज इसका साइज क्या होता है, ये 5 से 10 माइक्रोन मीटर लॉन्ग होता है, कितना, 5 से 10 माइक्रोन लॉन्ग होता है, कितना लॉन्ग होता है, 5 to 10 मीटर लॉन्ग होता है, और कितना जो है ये चौड़ा एवं मोटा होता है, 2 to 4 माइक्रोन क्या होता है, इसकी विड्थ होती है, चौड़ाई या मोटाई होती है। तो मैंने आपको बताया कितना लंबा हो गया, 5 to 10 माइक्रोन मीटर लॉन्ग, कितना चौड़ा एवं मोटा हो गया, 2 to 4 माइक्रोन मीटर विड्थ, प्लीज राइट डाउन, इट इज 5 to 10 माइक्रोन मीटर, इट इज 5 to 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग, लॉन्ग एंड 2 to 4 माइक्रोमीटर, 2 to 4 माइक्रोमीटर विद डब्ल्यू आई डी टी एच विद फुल स्टॉप। अब आप लोग हेडिंग दे देंगे थर्ड, क्या नंबर, क्या हेडिंग देंगे, नंबर, क्या हेडिंग देंगे, नंबर, नंबर हेडिंग दे दिया आपने। हेलो, देखिए मैंने आपको बताया लोअर प्लांट्स में या एल्गी में क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर होता है वो जनरली 1 होता है या मोर देन 1 हो सकता है, लेकिन जो हायर प्लांट होते हैं वहां पर एक सेल में क्लोरोप्लास्ट की संख्या कितनी होती है, 20 to 40, 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन ईच मेसोफिल सेल, प्लीज राइट डाउन द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, नोट करिए, द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेरीज फ्रॉम
varies from cell to cell, cell to cell, and species to species, species to species, species to species. Full stop. Generally 20 to 40. Generally 20 to 40 chloroplast occurs in mesophyll cell of higher plant. Full stop. और स्टडी देंगे आप लोग कलर, क्या देंगे कलर. अब आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट का कलर कैसा होता है, ग्रीन. कैसा होता है, ग्रीन. क्यों ग्रीन होता है, क्योंकि इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल. क्या पाता है, क्लोरोफिल, और इसी के कारण इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन. प्लीज राइट डाउन, लिखे. इट इज ग्रीन इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल को अंडरलाइन कर देंगे. फुल स्टॉप. मॉर्फोलॉजी समाप्त. अब आपको हेड दे देंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. हेड देंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. अब हम लोग क्या करेंगे, पहले फिगर ड्रा करेंगे, उसके बाद तब आपको समझाएंगे इसके बारे में हम. हेलो, ये आप देख रहे हैं कि मैंने क्लोरोप्लास्ट का अल्ट्रा स्ट्रक्चर का फिगर ड्रा कर दिया है, और आप लोग देख रहे हैं इसका शेप कैसा दिखाई पड़ रहा है आपको. ये डिस्क्वाइडल ओवरऑल ओवल इन शेप है, मोस्टली कैसा है, डिस्क्वाइडल इन शेप. और इसके स्ट्रक्चर में आपको कौन कौन से पार्ट दिखलाई पड़ रहे हैं, इसमें टोटल आपको तीन पार्ट दिखलाई पड़ेगा. एक तो क्या है, पहली बात तो ये बताया इसका शेप कैसा, क्लोरोप्लास्ट का डिस्क्वाइडल शेप है, डिस शेप है. और पूरे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर को मैंने तीन पार्टों में डिवाइड कर दिया. पहला पार्ट क्या है बेटा, इनवलप. क्या है, इनवलप. फर्स्ट पार्ट क्या है, इनवलप. इनवलप मीन्स क्या, मेम्ब्रेन. क्या बेटा, मेम्ब्रेन. मैंने आपको बताया कि क्लोरोप्लास्ट इज सराउंडेड बाई टू मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. ईच मेम्ब्रेन इज 100 एंगस्ट्रॉम थिक एंड केमिकली कंपोज्ड ऑफ लीपोप्रोटीन, केमिकली कंपोज्ड ऑफ लीपोप्रोटीन. मैंने आपको क्या बताया मैंने आपको, द
क्लोरोप्लास्ट इज सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. ईच मेम्ब्रेन इज 100 एंगस्ट्रॉम थिक एंड केमिकली कंपोज्ड ऑफ लिपो प्रोटीन. और मैंने आपको तो पहला पार्ट हो गया इनवलप या लिमिटिंग मेम्ब्रेन. इट सराउंड्स द क्लोरोप्लास्ट बाय टू मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. ईच मेम्ब्रेन इज 100 एंगस्ट्रॉम थिक एंड केमिकली कंपोज्ड ऑफ लिपो प्रोटीन. अब हम आते हैं इसके अंदर की तरफ. इसके अंदर की तरफ स्ट्रक्चर को हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं. एक तो आप देख रहे हैं ये है पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, बोलिए सब पोर्शन. ठीक है, एक क्लोरोप्लास्ट में ये जो आपको सिक्के के समूह की तरह से, जैसे एक रुपए, दो रुपए या पांच रुपए या दस रुपए का जो क्वाइन होता है सिक्का, एक के ऊपर एक आप रख दीजिए तो एक समूह बन जाता है. समझ, तो इसी प्रकार से यहां पर ये जो है क्या पाए जाते, ग्राना पाए जाते. क्या पाते, ग्राना. तो ये जैसे सिक्के एक समूह में अरेंज हो जाते हैं, वैसे यहां पर बहुत से प्लेट लाइक स्ट्रक्चर. कैसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर के क्या बनाते हैं, ग्रेनम. क्या बनाते हैं, ग्रेनम. तो फिलहाल छोड़िए, अभी मैं बात कर रहा पार्ट की. पहला पार्ट था इन वाला, दूसरा पार्ट है स्ट्रोमा. क्या बेटा, स्ट्रोमा मींस इसको, इसको ये जो पार्ट है इसको छोड़ करके जितने अंदर की तरफ पार्ट है सबको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा. क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा. ये है कैसा, ये जेली लाइक. कैसा, जेली लाइक. जेली लाइक प्रोटीनेशियस मटेरियल होता है. कैसा मटेरियल है, जेली लाइक प्रोटीनेशियस मटेरियल होता है. इसके अंदर बहुत से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे क्या पाया जाता है, राइबोसोम. क्या पाता है, राइबोसोम. राइबोसोम कैसा है, 70s. कैसा है, 70s. 70s जो प्रोकैरियोट में पाया जाता है, वही जो है सेल ऑर्गेनेल में पाया जाता है, 70s. समझ, ये सेल नहीं है, सेल ऑर्गेनेल है, कोशिकांग है. यहां पर कैसा राइबोसोम पाया था, 70s. इसके अलावा क्या पाया था, आरएनए और डीएनए. डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है. इसके अलावा स्टार्च ग्रेन पाए जाते हैं. क्या पाते हैं, स्टार्च ग्रेन, जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल फोटोसिंथेसिस के बाद स्टोर रहता है, स्टार्च है ग्रेन. और डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं. क्या होते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स. तो अब बात आ जाती है कि दूसरा पार्ट कौन सा है, दूसरा पार्ट कौन सा है, स्ट्रोमा. कौन सा पार्ट है, स्ट्रोमा. मैंने आपको तो स्ट्रोमा क्या होता है, इट इज प्रोटीनेशियस. इट इज प्रोटीनेशियस. इट इज प्रोटीनेशियस जेली लाइक मटेरियल. जेली लाइक मटेरियल एंड प्रेजेंट इनसाइड इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड कंटेन डिफरेंट मटेरियल्स सच एज 70s राइबोसोम, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, स्टार्च ग्रेन्स एंड डिफरेंट एंजाइम्स. अब इसे प्रोसेस कौन सा होता है, आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है. और फोटोसिंथेसिस में दो स्टेप होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन. जो डार्क रिएक्शन होता है वो कहां होता है, स्ट्रोमा में. कहां पर होता है, स्ट्रोमा में. तो मैंने आपको बताया स्ट्रोमा में कौन सा रिएक्शन होगा, फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन होगा. समझ रहे, अब आ जाइए आप लोग तीसरे पार्ट के बारे में. तीसरा पार्ट कौन सा है बेटा, ये ग्राना. क्या है, ग्राना. तो मैंने आपको बताया ग्राना क्या है,
ये देख रहे प्लेट लाइक स्ट्रेटिफाइड, प्लेट लाइक स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर्स का ग्रुप है, समूह है, इसको हम बोलते ग्रेनम। क्या बोलते ग्रेनम। और पूरे क्लोरोप्लास्ट में, पूरे क्लोरोप्लास्ट में लगभग 40 से 60 घराना पाया थे। कितने पाए थे? 40 से 60 घराना पाए थे। कितने घराना पाए थे? 40 से 60 घराना पाया थे। 40 से 60 घराना पाया थे हैं, तो आप जानते हैं ग्रेनम सिंगुलर है, एक को दिखाया गया है। जब कई को दिखाते तो क्या बोल देते हैं हम? घराना। तो क्लोरोप्लास्ट में कुल कितने घराना होते हैं? 40 से 60। अब हम आए थे एक ग्रेनम के बारे में। एक ग्रेनम किसका बना हुआ है? ये बहुत से प्लेट लाइक, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर एक के एक है, एक के ऊपर एक व्यवस्थित होने के कारण बनता है। और इसको हम बोलते हैं क्या बेटा? इसको बोलते हैं हम थैलेकोइड। क्या बोलते हैं? थैलेकोइड। ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं? थैलेकोइड। क्या बोलते हैं? थैलेकोइड। और एक ग्रेनम में, एक ग्रेनम में थैलेकोइड की संख्या कितनी हो सकती है? 10 to 100। एक जो है ग्रेनम में थैलेकोइड की संख्या कितनी हो सकती है? जैसे मैंने बना 1 2 3 4 5, यहां मैंने 1 2 3 4 5 6, ऐसे आप जानते कितने होंगे? 10 से लेकर के 100 तक हो सकते हैं। समझ रहे? मैंने आपको बताया एक ग्रेनम, पहली बात तो यह है ग्राना की संख्या कितनी है एक क्लोरोप्लास्ट में? 40 से 60। मैंने आपको बताया एक ग्रेनम किसका बना होता है? बहुत से थैलेकोइड का बना होता है। कितने थैलेकोइड का बना होता है? 10 to 100 थैलेकोइड का बना होता है। और मैंने आपको बताया एक थैलेकोइड कैसा है? ये थैलेकोइड कैसा? प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। कैसा है? प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है। तो मैंने आपको बताया इन वन क्लोरोप्लास्ट 40 to 60 ग्राना आर प्रेजेंट, 40 to 60 ग्राना आर प्रेजेंट, एंड ईच ग्रेनम इज कंपोज्ड ऑफ 10 to 100 थैलेकोइड। इस थैलेकोइड इज प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। आप सुनिए बेटा, इस थैलेकोइड के अपर और लोअर सरफेस पर, अपर और लोअर सरफेस पर ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर पाया था। क्या पाते? ग्रेनुलर स्ट्रक्चर पाए थे। और एक क्वांटासोम के अंदर कितने क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल पाए थे? 230। कितने क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल? 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल पाए थे। तो मैंने आपको क्या बताया? इस थैलेकोइड कंटेन मेनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड क्वांटासोम्स, एंड इस क्वांटासोम कंटेन 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। और इस क्वांटासोम की डिस्कवरी किसने किया था? पार्क एंड पॉन ने किया था। किसने किया था? पार्क एंड पॉन ने 1961 में, और पार्क और बिगिन ने किया था 1964 में। और आप जानते हैं क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल इसके अंदर पाया जाता है, इसलिए लाइट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? लाइट रिएक्शन कहां हुआ? ग्राना में हुआ। कहां हुआ? ग्राना में। अब मैंने एक में बना दिया, अंडरस्टूड हो गया। इसी तरह सब में क्या होंगे? क्वांटासोम होंगे। क्या होंगे? क्वांटासोम होंगे। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, द क्लोरोप्लास्ट इट इज क्वाड्रेंट से एंड कंसिस्ट ऑफ मेनली थ्री पार्ट। फर्स्ट इज द एनवलप। द क्लोरोप्लास्ट इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। द ईच मेम्ब्रेन इज 100 एंगस्ट्रॉम थिक एंड केमिकली कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटीन।
सेकेंड पार्ट इज स्ट्रोमा, इट इज प्रोटीनेसियस जेल लाइक मटेरियल एंड प्रेजेंट इनर साइड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन एंड कंटेन डिफरेंट मटेरियल्स सच एज 70s राइबोसोम, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड स्टार्च ग्रेन्स एंड डिफरेंट एंजाइम्स एक्सेट्रा. इट इज द साइट ऑफ CO2 फिक्सेशन वार अ डार्क रिएक्शन, वार अ डार्क रिएक्शन. थर्ड इज द ग्राना. मैंने आपको बताया ग्राना अबाउट 40 to 60 स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन साइड द स्ट्रोमा आर कॉल्ड ग्राना. ईच ग्रेनम इज कंपोज्ड ऑफ 10 to 100 प्लेटलेट स्ट्रक्चर कॉल्ड थायलेकॉइड. ऑन द सर्फेस ऑफ थायलेकॉइड मेनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्वांटासोम्स आर प्रेजेंट. ईच क्वांटासोम कंटेन 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स. द क्वांटासोम इज डिस्कवर्ड बाय पार्क एंड पाउल इन 1961 एंड पार्क एंड बिगिन इन 1964. द ग्राना इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन. प्लीज राइट डाउन फिगर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए. स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिससे क्या होगा कि आप इसको फिर आराम से देख सकते हैं. प्लीज शेयर. अब मैं आपको बता रहा था इसके स्ट्रक्चर के बारे में. नोट कर लेंगे आप लोग. हेडिंग दे चुके थे आप लोग. एट्रल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. प्लीज राइट डाउन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर. द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ऑफ क्लोरोप्लास्ट shows SHOW shows following part. First heading देंगे आप लोग इन वाला what are limiting membrane. First heading envelope. What are limiting membrane? Please write down. Again, the chloroplast is surrounded by double membranous structure which is composed of lipoprotein lipoprotein को अंडरलाइन कर दिया फुल स्टॉप. Each membrane is about 100 angstrom thick. Full stop. Second heading is stroma. Please write down. It is dense, jelly-like, proteinaceous material, and
एंड प्रेजेंट इनसाइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन फुल स्टॉप द स्ट्रोमा है डीएनए कामा आरएनए कामा सेवेंटीएस राइबोसोम कामा डिफरेंट एंजाइम्स एंड स्टार्च ग्रेन्स एक्सेट्रा स्टार्च ग्रेन्स है एक्सेट्रा फुल स्टॉप पैराग्राफ चेंज इट इज साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ओ आर आर सी ओ टू फिक्सेशन FIXATION CO2 fixation डार्क रिएक्शन या CO2 फिक्सेशन को अंडरलाइन कर दिया फुल स्टॉप थर्ड हेडिंग देंगे ग्राना प्लीज राइट डाउन इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कामा 40 to 60 प्लेट लाइक वारा क्वाइन CoIN क्वाइन लाइक स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट प्लेस्टर दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज ग्राना फुल स्टॉप ईच ग्रेनम इज कंपोज्ड ऑफ 10 to 100 10 से लेकर के 100 तक 10 to 100 फ्लैट EFLAT फ्लैट साइक लाइक थैलाकार साइक्लाइक स्ट्रक्चर कामा कॉल्ड थैलेक्वाइड्स को डिफाइन कर देंगे फुल स्टॉप ऑन द इनर सरफेस ऑफ ईस्ट थैलेक्वाइड कामा मेनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट फुल स्टॉप दीज ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड
क्वांटासोम्स, क्वांटासोम्स, क्वांटासोम्स लिखा हुआ है, क्वांटासोम्स। ओ आर आर फोटो सिस्टम, क्वांटासोम या फोटो सिस्टम को अंडरलाइन कर देंगे, फुल स्टॉप। द क्वांटासोम वेयर डिस्कवर्ड बाय पार्क एंड पाउन, ब्रैकेट में 1961, एंड पार्क एंड बिगिंस, ब्रैकेट में 1964, फुल स्टॉप। इस क्वांटासोम कंटेन अबाउट 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, एंड अदर पिगमेंट्स, फुल स्टॉप। द क्वांटासोम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड परफॉर्म लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसेंसेस, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसेंसेस को अंडरलाइन कर देंगे, फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट है, आपको कल बताएंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट और फंक्शन के बारे में।